माइनक्राफ्ट स्केरी मिथ्स। इस टॉपिक पे यूट्यूब में तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, बट अगर तुम इन वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये सभी जावा प्लेयर्स हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे स्केरी मिथ ट्राई करने वाला हूँ, वो भी पॉकेट एडिशन में, एंड मैं पता लगाने वाला हूँ कि ये मिथ वर्क करते हैं या नहीं। सो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो करते वीडियो को स्टार्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मिथ नंबर 1, द जायंट स्क्विड। सो इस मिथ का ये दावा है कि हमें इस वर्ल्ड के डीप ओशियंस में मिलता है द जायंट स्क्विड। ये वाला सिर्फ बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ट्राई किया एंड उन्हें कुछ ऐसा मिला। Single moment. Getting closer. That thing is huge and it's staying there way too long for it to just be one tiny squid. This has to be from the giant squid. It's left behind its ink trail. But where is it? Surely if it was that big we'd be able to see it by now. Just wait, what was that? Wait, guys, what was that? Something spinning around me. Guys, what is that? Looks like some sort of shadow. It's going around me in circles. I can't keep up with it. It's moving so quick. What do we do? I can't see it. Where's it gone? Is there the shadow? Wait, my boat, it broke. What happened? No. तो आज हम इसी मिथ को ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं इस मिथ में कितनी सच्चाई है। ओके, तो अभी मैं उसी सीट में आ चुका हूँ जहाँ पे मुझे मिलने वाला जायंट स्क्विड। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मेरे बगल में ही बहुत बड़ा ओशियन है। तो देखते हैं हमें जायंट स्क्विड मिलता है या नहीं। जायंट स्क्विड को ढूंढने के लिए यहाँ पे मुझे पूरा ओशियन एक्सप्लोर करना होगा। ओशियन को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे बोट बनाना होगा। एंड यहाँ पे मैं डेजर्ट में स्पॉन हुआ तो मुझे वुड तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो वुड ढूंढने के लिए यहाँ पे मुझे कोई प्लेन एरिया ढूंढना होगा जहाँ मुझे कोई ट्री मिले। तो देखते हैं आप मुझे आसपास कहीं ट्री मिलता है या नहीं। तो मैं निकल गया पूरे डेजर्ट में ढूंढने की आप मुझे आसपास कोई ट्री मिलता है या नहीं। फिर बहुत देर ट्री की तलाश में मुझे कुछ ऐसा दिखा। ओके, तो मैं बहुत दूर आ चुका हूं यार, भाई पानी से बबल निकल रहा है, शायद ओशियन के अंदर मैग्मा ब्लॉक होगा। मैंने सोचा कि मुझे जायंट स्क्विड मिल गया। एंड फाइनली यार मुझे ग्रीन ग्रासेस दिख चुका है, मुझे आगे एक ट्री भी दिख चुका है। सो जल्द से आप मैं ट्री का वुड काट लेता हूं, मैं जल्द से एक बोट भी बना लेता हूं। ओके, तो अब मैंने कुछ वुड्स काट लिए हैं, तो पहले मैं इन वुड्स को प्लैंक्स में कन्वर्ट करके एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूं। एंड अब मैं इन बचे हुए वुड्स से एक बोट बनाने वाला हूं। ओके, तो अब मुझे यहां पे बोट्स की रेसिपी तो पता ही है। एंड यहां मैंने एक बोट बना लिया है, तो अब मैं इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेता हूं, निकलते हैं ओशियन को एक्सप्लोर करने। ओके, तो अब मैंने क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लिया, मैं निकलने वाला हूं ओशियन को एक्सप्लोर करने। ओके, तो अब मैं बोट में बैठ चुका हूं, मुझे अलर्ट होकर यहां पे जायंट स्क्विड को ढूंढना होगा, तभी वो मुझे यहां पे मिल पाएगा। एंड यहां मुझे छोटी से छोटी हरकत पे ध्यान रखनी होगी। तो फिर मैं निकल गया ओशियन को एक्सप्लोर करने टू फाइंड द जायंट स्क्विड। तो अगर तुम्हें जानना कि मुझे जायंट स्क्विड मिली या नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखो। तो तब तक चलते हैं मिथ नंबर 2 पे। मिथ नंबर 2, द हेड क्रैक्ड विलेजर। सो इस मिथ का ये दावा है कि हम एक रिचुअल करके यहाँ पे हेड क्रैक विलेज को स्पॉन कर सकते हैं। एंड इस चीज को इस यूट्यूबर ने ट्रैक किया, ने इसे कुछ ऐसा मिला। Inserted directly into the inventory, the villager. Wait, it's working. No, wait, wait, why is he dying? Why is he damaging? Is he suffocating the head? No, I need to do something. Help! He just disappeared. No. The ship's doing what it did in the video. It's glitching. Look at the wall. Wait, check its legs. What the? Look, its legs are like going in and out of the body. They're breaking, and so is the rest of the sheep. What do we do? I don't know what to do. What's it? Ah! His body's just broke. What do we do? I don't know what to do. Ah! Oh, no! There's just one villager. That's it. Run. तो अब हम इस रिचुअल को ट्राई करने वाले हैं, देखते हैं ये मिथ वर्क करता है या नहीं। तो यहाँ मैं एक विलेज में आ चुका हूँ जहाँ मैं एक रिचुअल करने वाला हूँ जिससे मुझे मिलेगा द हेड क्रैक्ड विलेजर। सो इस रिचुअल को करने के लिए आप मैंने इन्वेंटरी में सारे आइटम्स ले लिए जिसकी मुझे जरूरत है। एंड यहाँ मुझे एक अच्छा स्पेस ढूंढना होगा जहाँ मैं ये रिचुअल कर सकूँ। सो ये परफेक्ट लोकेशन है जहाँ मैं वो रिचुअल कर सकता हूँ। सो वो रिचुअल करने के लिए आप मुझे सबसे पहले एक वॉल बिल्ड करना होगा। ओके, तो अब मैंने वॉल बिल्ड कर लिया। एंड यहाँ मुझे वॉल का सेंटर वाला ब्लॉक तोड़ के यहाँ पे उसके जगह डिस्पेंसर डालना होगा। ओके, तो यहाँ मैंने ब्लॉक तोड़ लिया। एंड यहाँ मैं इसके जगह डिस्पेंसर डाल देता हूँ। एंड यहाँ मुझे इस डिस्पेंसर में यहाँ पे स्केलेटन के स्कल डालने होंगे। एंड यहाँ मैंने स्कल को भी डाल दिया। एंड जल्द से आप मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे डिस्पेंसर को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ मुझे बटन चाहिए होगा। एंड यहाँ मेरे पास इन्वेंटरी में प्लैंक है जिससे मैं बटन बना सकता हूँ, तो जल्द से आप मैं बटन बना लेता हूँ। ओके, तो मैंने बटन को क्राफ्ट कर लिया, तो जल्द से आप मैं इस बटन को यहाँ पे दोनों साइड लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे बटन भी लग चुका है। एंड मुझे अब आखिरी चीज करना होगा, यहाँ पे किसी एक विलेजर को लेके आना होगा। एंड विलेजर को मैं बस एक ही तरह से ला सकता हूँ इस बोट में बैठा के। एंड यहाँ मैं विलेज में ही हूँ तो यहाँ पे मुझे आसानी से यहाँ पे विलेजर तो मिल ही जाएगा। सो जल्द से आप मैं किसी विलेजर को बोट में बैठा लेता हूँ। एंड जहाँ मैं रिचुअल करने वाला हूँ वहाँ मैं उसको जल्द से लेके जाता हूँ। ओके, तो मैंने विलेजर को बोट पे बैठा लिया है। एंड मुझे इस विलेज को वहाँ पे लेके जाना होगा। अब हम जल्द से वहाँ पे पहुंचने ही वाले जिससे हम एक रिचुअल करेंगे जिससे हमें मिलेगा द हेड क्रैक्ड विलेजर। ओके, तो फाइनली यहाँ पे विलेजर आ चुका है। अब मैं इस रिचुअल को करने वाला हूँ एंड देखते ये मिथ वर्क करता है या नहीं। ओ, मैं एक चीज तो भूल ही गया, यहाँ पे इस रिचुअल को करने के लिए आप मुझे एक मेजर चीज करना होगा। पहले मुझे इस फेंस में एक शिप को बंद करना होगा। ये इसलिए करना होगा क्योंकि जब हेड क्रैक्ड विलेजर आता है तो इस शिप को देख के मैं पता लग जाएगा कि वो आने वाला है, क्योंकि हेड क्रैक विलेजर जब आता है तो शिप भी बहुत क्रीपी लगने लगती है। तो जल्द से मैं शिप को फेंस के अंदर डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने शिप को भी स्पॉन कर दिया। मैं ये रिचुअल करने वाला हूँ, देखते ये वर्क करता है या नहीं।
तो मैं इस बटन को प्रेस करने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने इस बटन को प्रेस कर दिया, लेकिन भाई यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ मैंने दो तीन बार भी टैप कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्क ही नहीं कर रहा। एंड यहाँ पे शिप भी नॉर्मली दिख रही है। ये रिचुअल करने के बाद हमें पता चलता है कि ये मिथ टोटली फेक है। सो अब हम चलते हैं अपने आखिरी वाले मिथ पे, मिथ नंबर 3, द कर्स्ड बुक्स। सो इस मिथ का ये दावा है कि हमें 5 बुक चिजल्ड बुक सेल्फ में डालना होगा, एंड फिर बुक्स को डालने के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा होगा। आखिरी वाला मिथ बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पे इस मिथ को करने के लिए हमें एक चिसेल्ड बुक सेल्फ चाहिए होगा, एंड उसके बाद ये 6 बुक जो बहुत ही जरूरी है। सो पहला बुक है कर्स ऑफ बाइंडिंग, तो इस बुक को हमें लगाना है यहाँ पे। एंड ये कर्स ऑफ बाइंडिंग बुक डिनोट करता है द लेटर सी। एंड उसके बाद हमें चाहिए होगा अनब्रेकिंग 1 जो डिनोट करता है लेटर यू को। इसके बाद रेस्पिरेशन जो डिनोट करता है लेटर आर को। फिर शार्पनेस 1 डिनोट करता है लेटर एस को। फिर शार्पनेस 1 के बाद यहाँ पे हमारे पास है एफिशिएंसी 1 जो डिनोट करता है लेटर ई को। एंड आखिरी है डेप्थ स्पाइडर 1 जो डिनोट करता है लेटर डी को। एंड इन सब बुक्स के फर्स्ट लेटर को मिलाने से हमें मिलता है कर्स्ड। एंड जैसा कि हमें पता है, ये सब बुक्स डालने के बाद यहाँ पे वर्ल्ड में कुछ श्रापित चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। बट अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है भाई। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइम एंड वेदर चेंज हो गया। एंड यार भाई सच बोलूं तो ये मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया है भाई। यहाँ पे वर्ल्ड में स्थापित चीजें होना तो स्टार्ट भी हो गई है भाई। ये हुआ कैसे? यहाँ पे तो मॉब्स भी स्पॉन होने लगे हैं। एंड यहाँ पे सिर्फ वेदर एंड टाइम ही चेंज हुआ है, उसके अलावा तो यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। एंड यहाँ पे भाई मॉब्स भी बहुत स्पॉन होने लगे हैं भाई। यहाँ पे तो बिजली कड़कना भी स्टार्ट हो गई है भाई। यहाँ पे तो मेरे ऊपर ही बिजली गिर गई। एंड यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली समंड। भाई लगता है इस वर्ल्ड में हीरोब्राइन आ गया है। एंड ये मिथ तो भाई टोटली वर्क करता है। सो अब फिर से आते हैं मिथ नंबर 1 पे। जेंट स्क्विड को ढूंढने के लिए यहाँ पे पूरा ओशन घूमता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं अपने बोट को लेके यहाँ पे पूरे ओशन को घूम रहा था। एंड यहाँ पे दिन से रात भी हो रही थी, बट मुझे कहीं जेंट स्क्विड मिल नहीं रहा था। फिर मैंने जेंट स्क्विड को ढूंढने के लिए अपनी तलाश जारी रखी, बट फिर पूरे ओशन में ढूंढने के बाद यहाँ मुझे जेंट स्क्विड कहीं भी नहीं मिला, जिससे हमें पता चलता है कि ये मिथ भी टोटली रॉन्ग है।